नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। मामबाड़ा के सामने स्थित माया ज्वेलर्स में एक व्यक्ति घुसा और झुमके की मांग जताई। जैसे ही झुमकी देने के लिए प्लास्टिक का बॉक्स निकाला गया, वैसे ही अपराधी ने वो बॉक्स छीन लिया और बाहर मोटरसाइकिल में बैठे एक अन्य व्यक्ति के साथ फरार हो गया। बदमाशों द्वारा 1,22,550 रुपए कीमत की ज्वेलरी लूटी गई। इस घटना के तुरंत बाद थाना कोतवाली अंतर्गत आशीष सोनी, जो माया ज्वेलर्स के मालिक हैं, उनके द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा कि 16 अक्टूबर को सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति आए, जिसमें से एक व्यक्ति दुकान के अंदर घुसा और कहने लगा कि उसे झुमके देखने हैं। जैसे ही शिकायतकर्ता सोने के झुमके की बॉक्स की ओर बढ़ा और बॉक्स निकाला, उस व्यक्ति ने उससे सोने चांदी की भरा बॉक्स छीन लिया और दुकान के बाहर दौड़ आया और बाहर खड़ी मोटरसाइकिल से फरार हो चला। शिकायत सुनने के तुरंत बाद थाना कोतवाली द्वारा अपराध कायम कर केस रजिस्टर कर लिया गया। केस को सुलझाने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा द्वारा निर्देश दिए गए और एक टीम का गठन कर लिया गया। टीम का गठन होते ही टीम द्वारा घेराबंदी करवाई गई और जनता के सहयोग से दोनों आरोपियों को धर लिया गया। दोनों आरोपी कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के निवासी थे। उनके द्वारा सोने चांदी के जेवरात, जिनकी कीमत 1,22,550 एवं एक सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल, जिसकी कीमत 80,000 बताई जा रही है, जब्त कर ली गई है। आरोपियों से लगातार बारीकी पूछताछ पुलिस कर्मियों द्वारा जारी है, जिससे उनके आपराधिक रिकॉर्ड को खंगाला जा सके। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।